Just go. मैं डॉक्टर आनंद कुमार पांडे हूँ. मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशल ट्रेनिंग है एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स. सर, हार्ट अटैक क्या है और हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? देखिए, हार्ट अटैक अगर कोई भी हृदय की नस में कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड क्लॉट बनता है तो उससे उस एरिया की ब्लड सप्लाई नहीं हो जाती है, उसके नतीजे एंजाइना या हार्ट अटैक. सर, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक भी काफ़ी बढ़ा है, इसको लेकर इसके बारे में क्या है, लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं हो पाती. लेकिन पहले तो लक्षण बहुत जरूरी है जानना हार्ट अटैक के लिए. जैसे कभी आपको लगता है कि गैस बन रही है जिसका कोई रीज़न नहीं है, या छाती के बीच में दर्द हो रहा है जो 2 कंधों में जा रहा है, या दर्द छाती में होकर जबड़े में जा रहा है, आप 2 कदम चलते हैं आपकी छाती भारी हो जाती है, आपको अचानक बहुत पसीना आना, एग्जॉस्टेशन फील करना जो आपका कभी पहले नहीं हुआ, तो आप सोचिए कुछ ना कुछ जरूरी हो रहा है. उसके लिए तत्काल एक ECG होना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी हार्ट अटैक गैस के कन्फ्यूजन में ही मिस हो जाते हैं. साइलेंट हार्ट अटैक ये होता है कि कभी आपको ऐसे सिम्टम हुए हों जो अननोटिस चले गए हों आपके द्वारा भी और डॉक्टर भी ध्यान नहीं दिया हो, और कभी आप दोबारा जाँच कराने जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं आपको अभी हार्ट अटैक हो चुका था, थोड़ा सा हार्ट में आपके चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं. सिम्टम्स वो भी देता है जिसको हम नस कर जाते हैं. लेकिन सर, कई बार उसकी पहचान, साइलेंट हार्ट अटैक की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना वक्त नहीं रहता है कि मरीज को अस्पताल तक पहुँचाया जाए. ऐसी कंडीशन में अगर कोई मरीज घर पे हो तो कैसे करना, बचाव करना चाहिए? क्योंकि अब अमूमन देखा गया है कि साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो रात को ही ज़्यादा आता है. देखिए, बड़ा सिंपल है. पहले तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे होने चाहिए, एक कम्युनिटी लेवल पे इसको शुरू करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में जा जा के लोगों को समझा रहे हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं. हाँ, ये जरूरी है कि अगर घर पे किसी को ऐसा लक्षण लग रहा है और उसको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो पहले नहीं थी, तो हम लोग कहते हैं एक डस्प्रिन की गोली जरूर ले लें. अगर घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ था और सॉर्बिट्रेट वगैरह पड़ी हुई है उसको लेना चाहिए. हालांकि सॉर्बिट्रेट ऐसे लेने से नुकसान भी हो सकता है, तो डिस्प्रिन की गोली लेने में कोई नुकसान नहीं होता है, उससे काफ़ी फायदा होता है और ये लाइफ सेवर का भी काम करता है. सर, ये भी कहा जाता है, मेडिकल लाइन में खास कहा जाता है कि कोई भी हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता, क्या ये सही है? देखिए, कोई भी बड़ी बीमारी वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर देती है, हम लोग उसको यूजली इग्नोर कर देते हैं. जैसे पेशेंट अक्सर आते हैं हमारे पास हार्ट अटैक के लिए, हाँ डॉक्टर, 15 दिन से मैं चलता था तो छाती में दर्द होता था, या हमें बहुत गैस बन रही थी, मैं 4 कदम चलता था तो छाती भारी हो जाती थी, या मैं पहले काम करता था उसी काम करने में आज मेरी सांस फूल जाती थी, कुछ कुछ वार्निंग साइन जरूर होते हैं. लेकिन आदमी चूंकि इसमें डिनायल बहुत है, इस बीमारी में आदमी एक्सेप्ट नहीं करते मुझे हार्ट डिजीज हो सकती है, तो इसी डिनायल की वजह से बहुत नुकसान होता है. अच्छा, यानी आपका कहना है कि लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर छाती में दर्द हो या कहीं पे छाती में कोई समस्या आ रही हो तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. मुझे लगता है कि भाई बहुत बड़ी बीमारी होती है, 50% हार्ट अटैक के पेशेंट हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते हैं, इग्नोरेंस की वजह से, फैसिलिटीज न होने की वजह से. इनफैक्ट फिजिशियंस में भी अवेयरनेस, ये कई बार वो गैस की दवा लेके भेज देते हैं, लेकिन एक सिंपल ECG करने में, मेरे हिसाब से एक ECG करें या 1-2 घंटे बाद और रिपीट ECG करने में कोई नुकसान नहीं है. हमारे 600-700 रुपये खर्च जरूर होते हैं, लेकिन एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से हम बच सकते हैं. सर, ये हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये भी कुछ हार्ट से संबंधित चीज़ें क्या? देखिए, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं हार्ट डिजीज के, तो बड़े सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल एक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, फैमिली हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन है. आज की तारीख में नए रिस्क फैक्टर हम माने तो लैक ऑफ इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक हैफजर्ड हो जाए, आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, बॉडी को यही नहीं समझ में आ रहा कि आदमी हमारे साथ क्या कर रहा है. इसी का वजह है कि आजकल हम लोग 22-23 साल के बच्चों में, मतलब हमारे आधे मरीज की लगा लीजिए आपकी 35 साल से पहली उम्र में आ रहे हैं, जो कभी बीमारी 60 से 70 साल की उम्र एक एपिडेमिक आ रहा है. अच्छा, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर्ड लाइफ होनी चाहिए. अगर आप मुझे पूछे कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपको 10-10:30 बजे सोना चाहिए, सोने के 2 घंटे पहले जितने
कोशिश करें कि 1.5-2 घंटे पहले अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स, नेट्स को ऑफ कर देना चाहिए। 6-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ये नींद स्लीप एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरी बॉडी जनरेट होती है, रीजनरेट होती है। सुबह 6:30 बजे उठना, 1 ग्लास पानी लेना, 1/2 घंटे वॉक जरूर करना चाहिए। नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए, हल्का लंच होना चाहिए, हल्का डिनर होना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे, और बहुत फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे फ्राइड चीज़ें हैं, फैटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को आप बिना किसी दवाइयों के भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसमें आपने कुछ नहीं कहा फिर भी बढ़ा हुआ है, उसको हम दवाइयों से नीचे ला सकते हैं, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में डिपॉजिट होता है। और सर, आधुनिक जीवन शैली में खान पान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम कैसे करें? आधुनिक जीवन शैली में क्या है, हम लोग फास्ट लाइफ है तो फास्ट फूड में रिप्लेसमेंट करें। पहले हमें याद है हम लोग घर में ही बनी हुई दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब घर के यूज़ होते थे। अभी क्या, हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है, फास्ट फूड हो गया, हाई ट्रांसफैट है, बहुत ख़राब क्वालिटी का ट्रांसफैट होता है, बर्गर पिज़्ज़ा संस्कृति आ गई है। आप गाड़ी में ड्राइव करते हुए नाश्ता करते जा रहे हैं, लंच भी आपने वर्किंग लंच लिया, कैन फूड लिया, कैन जूस लिया। पहले हम फ्रेश फ्रूट जूस लेते थे, अब तक प्रिजर्वेटिव के साथ ले रहे हैं। तो पूरा देखिए तो लाइफ ही पूरी आर्टिफिशियल हो गई है। उसी का नतीजा ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज़, पहले इन्फेक्टिव डिजीजेज नंबर वन होती थी, आज लाइफस्टाइल डिजीज नंबर वन हो गई। और 17 से 18 मिलियन लोग हर साल हार्ट डिजीज़ की वजह से मारे जा रहे हैं। तो यानी कहना है आपका कि कहीं ना कहीं ये जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर, इससे आम लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी लंबी गुजारनी है तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरी होता है। देखिए फास्ट फूड है क्या, बहुत कैलोरी हो, बहुत हार्मफुल फैट हो, और न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं है इसमें। तो हाई कैलोरी एंड पुअर न्यूट्रिशन इज फास्ट फूड, यही फास्ट फूड हो जाता है, इससे हमें बचना चाहिए। सर, कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली में रहना एक गैस चैम्बर के मतलब स्थिति में रहने के जैसा है, यहाँ की आबोहवा बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, लोग अपने आप को यहाँ पे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि लोगों के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्या करना चाहिए? देखिए ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, नदियाँ पोल्यूटेड हो रही हैं, आप जो नदी के किनारे खाना खा रहे हैं वो पोल्यूटेड हो रहा है, ऑटोमोबाइल, दिल्ली की सड़कें चूक हो चुकी हैं, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन है, एसी का पोल्यूशन है, फ्रिज का पोल्यूशन है, ओवर क्राउडेड है, तो हर तरीके से देखिए तो CO2 एमिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब गैस चैम्बर की तरह ही दिल्ली हो गई है। इसमें आप कैसे बच सकते हैं, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन करिए, हरे पेड़ पौधे लगाइए, पार्क के सामने टहलने जाइए, उसमें इनफैक्ट हम लोग एयर प्योरीफायर यूज़ करने की भी सलाह देते हैं कि आप घर के अंदर एयर प्योरीफायर यूज़ करेंगे तो उससे एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ प्योर ऑक्सीजन आपको जरूर मिलेगी। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप स्वस्थ रहने के लिए अच्छा रहेगा। सर, गवर्नमेंट से कोई मतलब आप लोग अपील करना चाहेंगे जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो सके इसके बारे में? देखिए मैं चाहूँगा एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाए, क्योंकि हम लोग जो भी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी वेस्टर्न पॉलिसीज को कर रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं अब उनका इनरोलमेंट करते हैं तो हम ब्लड ग्रुप मानते हैं, मैं कहता हूँ जो भी 10वीं से ऊपर के बच्चे उनका ब्लड शुगर होना चाहिए, उनका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, साल के अंत में जितने एडोलेसेंट टीन एजर्स बच्चे हैं उनका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, इंडोर को कम करना चाहिए, कैंटीन्स में फास्ट फूड को बंद कर देना चाहिए, कोक, पेप्सी, पिज़्ज़ा ये सब हटा देने चाहिए, अपने खाने को, अपने लोकल फूड को प्रमोट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा कर एक हेल्थ एजुकेशन की बुकलेट जरूर होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि उनको अवेयरनेस आए। ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भविष्य और स्वस्थ भारत। थैंक यू सर।